इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो महाराष्ट्र के वसूली कांड पर भले ही पवार और उनकी पार्टी अनिल देशमुख का बचाव कर रही हो, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बेहद हमलावर है। हर तरफ बीजेपी इस सनसनीखेज खुलासे के बहाने उद्धव ठाकरे को घेर रही है, तो दूसरी ओर उसके निशाने पर शरद पवार भी हैं। बीजेपी ने पवार की भूमिका पर सवाल उठाया। उद्धव सरकार में नंबर तीन की कुर्सी पर काबिज अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगा तो महाराष्ट्र के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को मुद्दा मिल गया। बीजेपी सड़क पर उतरी तो एनसीपी डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई, लेकिन बीजेपी भी अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। यही वजह है कि नागपुर से लेकर पटना तक बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि वे तो कहते हैं कि इस पूरी घटना की जांच करें, तो केवल परमवीर सिंह की जांच करें या घटना के मुख्य किरदार महाराष्ट्र के गृह मंत्री की भी जांच करें। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला तो पटना में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने, उन्होंने उद्धव ठाकरे की खामोशी पर सवाल खड़ा किया और पूछा कि उद्धव अब तक सचिन वाजे को डिफेंड क्यों करते आए। उद्धव ठाकरे की खामोशी और सदन के अंदर, विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनका सचिन वाजे को डिफेंड करना, ये और गंभीर सवाल उठा। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की इतनी कुबत है कि उसको एक तरफ सीएम डिफेंड करता है सदन के अंदर और होम मिनिस्टर कहता है कि तुम 100 करोड़ रुपया हमें उगाही कर दो। इज इंडीड अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। आरोप शरद पवार के करीबियों पर है, इसलिए वो खुद मैदान में उतरे। वाजे को रीइंस्टेट करने में कुछ लोगों ने नहीं, इसमें एक सीपी का नाम है। वहाँ जो कमिटी थी, ये कमिटी फिर कर रहे थे एक सीपी, तो 16 साल के बाद वाजे को सर्विस में लाने के में कुछ ना कुछ इसमें हिस्सा उनका है और आने के बाद उनको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सेंसिटिव जॉब दिया, वो भी काम उनसे हुआ है। पवार सफाई दे रहे हैं, कवच बनकर देशमुख की सुरक्षा में जुटे हैं, लिहाजा बीजेपी हमलावर है और सवाल दाग रही है। शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। परमवीर ने, एक्स पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैं शरद पवार को भी ब्रीफ करता था। क्या ब्रीफिंग होती थी? शरद पवार तो सरकार के अंग नहीं है, शरद पवार को वो ब्रीफ कर रहे हैं तो दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल, किस कैपेसिटी में ब्रीफ कर रहे हैं शरद पवार को, जो कि सरकार के पार्ट नहीं है? और दूसरा, अगर इतने गंभीर आरोप के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं तो शरद पवार जी ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की? 100 करोड़ के हफ्ता वसूली कांड में कांग्रेस यूं ही बदनाम हो रही है। राहुल गांधी की पार्टी ने बीजेपी पर सरकार गिराने के आरोप पड़े हैं, लेकिन कांग्रेस के ही बागी नेता संजय निरुपम ने शरद पवार पर जोरदार हमला बोला। गृह मंत्री अपने सरकारी घर में बैठकर हफ्ता वसूली का रैकेट चला रहे हैं, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। तत्काल गृह मंत्री को हटाना पड़ेगा और एक विस्तृत जांच करनी पड़ेगी। क्या माननीय शरद पवार जी, जो इस सरकार के शिल्पकार कहे जाते हैं, इसी दिन के लिए बनाए थे सरकार कि सामान्य व्यापारियों से, नागरिकों से डरा के, धमका करके उनसे पैसा वसूलने का एक रैकेट चलाया जाए? अब तक हम सिर्फ यही सुनते थे कि मुंबई में उगाही होती है, पुलिस भी हफ्ता वसूलती है, लेकिन सबूत कोई नहीं देता था। परमवीर सिंह ने 8 पेज और 23 पॉइंट की चिट्ठी में सारा कच्चा चट्टा खोल दिया, लेकिन शिवसेना के नेता अभी भी विपक्ष के इस्तीफे की मांग को ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे। म्हणून सरकार चालत नाही किंवा सरकार मध्ये उलथापालथ होत नाही। गेल्या 72 तासांमध्ये एका पत्रामुळे, त्याच्या आधी त्या एका पोलीस फौजदारामुळे सरकारवर नक्कीच शिंतोडे उडालेले आहे, हे मान्य करण्यातला एक मोठेपणा माझ्याकडे आहे, कारण मी काय सरकारचा चारण्याचा चहाचा ओशाळा नाही, याच्यामुळे नक्की सरकारवरती शिंतोडे उडालेले आहे। यातून
हे कसं धुवून काढायचं, स्वच्छ प्रतिमेने कसं बाहेर आलं पाहिजे, या संदर्भात सगळ्यांनी एकत्र बसून निर्णय घेतला पाहिजे. जसं मगाशी म्हणालो की प्रत्येकाने आपले पाय जमिनीवर आहेत काय पाहायला हवं. वसुली वाले खुलासे के बाद से उद्धव सरकार सकते में है. बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है. उद्धव सरकार पर देशमुख के इस्तीफे का दबाव है. अगर देशमुख का इस्तीफा लिया जाता है तो एनसीपी नाराज होगी, और अगर नहीं लेती है तो बीजेपी सरकार के खिलाफ बने माहौल को और हवा देगी. मुंबई से सचिन चौधरी के साथ दिल्ली से सैयद नजीर और आनंद प्रकाश पांडे की रिपोर्ट. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी. वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें. जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ.